यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वन परिवहन एवं खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में घाटे में चल रहा हिमाचल पथ परिवहन निगम आज प्रदेश सरकार का कुमाऊपूत बन रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कार्यकुशलता रंग ला रही है और घाटे में चलने वाला निगम आज मुनाफा कमाने लगा है। आपको बता दें कि परिवहन मंत्री मनाली के परिधि गृह में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारिता वार्ता कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2018 से 20 जून के बीच HRTC ने 8,88,00,000 से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। GST की वजह से ठेकेदारों को आ रही सड़क और पुल निर्माण की दिक्कतों पर बात करते हुए मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द इस समस्या का समाधान करेगी। तो HRTC को कुमाऊपूत कहा गया है और यह कहा है कि 2.5 महीने में 8,88,00,000 रुपए HRTC के द्वारा कमाए गए हैं।